नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार की बात करते हैं। 17523 पे क्लोजिंग हुई है, कैंडल रेड है, लेकिन क्लोजिंग जो हम लोगों ने करी है लगभग लगभग पॉजिटिव नोट पे करी है, क्योंकि नीचे से हमने एक बाइंग देखी है। हमने एक गैप अप किया था छोटा सा, लेकिन वहाँ पर हम सस्टेन नहीं कर पाए हैं। थोड़ी सी ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग ऐसी भी नहीं है कि हमको तकलीफ दे जाए। तो ओवरऑल दिन कैसा रहा? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ठीक है। कल भी बताया था आपको, और आज बिल्कुल वही चीज़ रेप्लिकेट कर रही थी सिंगापुर निफ्टी वाली। ऊपर खुले, नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, समझ गए। चलिए, आज का दिन ओवरऑल यही ख़त्म हुआ। अब आज के दिन हुआ क्या? हो गया लॉस। क्यों हो गया? क्योंकि आज ऑप्शन बायर पैसा नहीं बना सकता था। हमें यहाँ पर पता था कि बाइंग करनी है, ठीक है, ये चीज़ हमको पता है, हमारे पास ये वाला लेवल था। लेकिन भाई, इंतज़ार करने का मौका मिले तब ना बाइंग करेंगे। अब एक क्वांटिटी हम ले करके भी क्या चने, जैसे कहते हैं ना, अकेला चना क्या भार फोड़ेगा। जो लोग एक ही लॉट से ट्रेड करते हैं उनको मैं रिकमेंड ही नहीं करता कैसे यहाँ जस्ट लेवल ऊपर ही आया हो आप वहाँ पर ट्रेड ले लो। मैं उनको इंतज़ार और इंतज़ार करने के लिए बोलता हूँ। अब जैसे कि मैं क्वांटिटी और ऐड करना चाह रहा था, तब तक ये उड़ करके टारगेट के पास पहुँच गया। हम क्या करें भाई, हम क्या करें? जैसे एक मीम चलता है ना, ऐसे कमर पे हाथ रख के उसको देख रहा है, अरे निकल लिए बेटा तुम, तो बस वही कहानी बनी। तो इकलौता टारगेट यहाँ पर मिला है, इकलौता टारगेट। उसके बाद मुझे तीन स्टॉप लॉसेस मिले। कहाँ कहाँ मिले? पहला स्टॉप लॉस मिला यहाँ पर जब हमने बाइंग पकड़ी, ठीक है। यहाँ पर टारगेट क्यों बुक किया? क्योंकि बाज़ार ऐसे कर ही रही थी, ऊपर खुली, नीचे, फिर ऊपर नीचे। एक्सपेक्टेशन यही थी कि नीचे आएगी, लेकिन यहीं से, ठीक है, यहीं से हो जाएगा ऐसा मुझे फील आ रहा था, लेकिन वो हुआ नहीं। जब बाज़ार ऊपर निकली, मैंने सोचा यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करते हैं। क्वांटिटी ऐड की, उसके बाद नीचे आया, स्टॉप लॉस दे गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ बाई साइड का ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं हुई, फिर यहाँ पर हिम्मत हुई सेल साइड का ट्रेड लेने की, ठीक है। और जब सेल साइड का ट्रेड लिया, वो भी स्टॉप लॉस में कन्वर्ट हो गया। क्या करें, क्या करें, क्या करें? कुछ कर सकते हैं नहीं। तो बस यही थी ओवरऑल कहानी, आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज का दिन गया है लॉस में, और ये वाले दिन आने चाहिए। और एक पॉइंट हमेशा याद रखना, हम लोग ऑप्शन बायर हैं। फिर से बता रहा हूँ, हम ऑप्शन बाई करके ट्रेड करते हैं। हमें एक वोलाटाइल सेशन चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बस छोटी ही रेंज में बाजार घूम रही है। बाजार ऊपर गई, नीचे आई, 100-150 पॉइंट में कर रही है, वहाँ पर हम मूव पकड़ लेंगे। और ज़्यादातर दिन क्या होता है वो आपको कहानी पता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। लेवल्स वगैरह आप चेक कर सकते हो, कैसे उनकी अहमियत आपके सामने थी। बैंक निफ्टी के लेवल, एक ही लेवल आपके सामने प्लॉटेड है, क्योंकि बाजार का सामना सिर्फ उसे एक लेवल से हुआ। मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करता हूँ, जो लोग करते हैं वो अपना ट्रेड जरूर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे IGL की। ये बना आज का हीरो विथ सुपर वॉल्यूम आफ्टर गुड रिजल्ट। पिछली बार जब इसने इतना बड़ा मोमेंटम लगभग दिखाया था, तो वहाँ पर भी मैंने आपसे एक बात बोली थी कि ये जो स्टॉक्स होते हैं, क्वालिटी स्टॉक्स या फिर जिनमें वैल्यू है, वो कई दिनों की प्रॉब्लम एक दिन में सॉल्व करते हैं, कई दिनों की प्रॉब्लम एक दिन में सॉल्व करते हैं। ये देखिए, कुछ लोग बहुत दिन से 380 का इंतज़ार कर रहे होंगे यहाँ पर, और आज उनको ये फील आया होगा कब आज एग्जिट कर लें या रुके रहें। जो भी यार, अभी तो सही लेवल पे आकर के खड़ा है ट्रेड वगैरह करने के लिए। जो लोग पहले से पोजीशन बना करके बैठे हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वोलाटाइल हो गया है, वो तो रहेगा। रिजल्ट के बाद वोलाटिलिटी आती ही है, क्योंकि सबका अपना माइंडसेट होता है, सब अपनी सोच रखते हैं कि मैं क्या करूँगा, इस रिजल्ट में मुझे क्या दिखाई दे रहा। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ रिजल्ट में, सिक्वेंशियल बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर जिसको बोलते हैं। आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है, और डबल से ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। सिक्वेंशियल बेसिस पे भी रेवेन्यू एज एक्सपेक्टेड बढ़ रहा है। मैं एज एक्सपेक्टेड क्यों बोला हूँ, अभी बात करूँगा उस पर। लेकिन जो टोटल खर्चा है वो बढ़ गया कुछ ज़्यादा ही, यानी कि महंगाई की मार इस स्टॉक पे पड़ रही है। लेकिन क्या जो वो महंगाई की मार पड़ी वो उनको प्रॉफिट में डेंट दिया है? परसेंटेज टर्म्स में तो बिल्कुल दिया है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखोगे नीचे जा करके, और आप चीज़ें चेक कर सकते हो, मैं अर्निंग पर शेयर आपको ज़रूर दिखाऊंगा। सिक्वेंशियल बेसिस पे बढ़ गया, जो कि ज़रूरी था यहाँ के कंपेरिजन में, ठीक है। यहाँ के कंपेरिजन में ऑलमोस्ट डबल हो गया है प्रॉफिट, ऑलमोस्ट, ठीक है। डबल नहीं कह सकते इसको, ऐसे मान लीजिए कि हमको एक मतलब मृग तृष्णा जैसे होती है ना, कि हमको लग रहा है कि वहाँ पर ऐसा डबल हो गया होगा, क्योंकि इसको हम 250 के पास मानेंगे, इसको हम 500 के पास मानेंगे, लेकिन ये 500 से कम है और ये 250 से ज़्यादा है। तो जो नेट नेट वैल्यू आएगी, अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में आपसे पूछूँ, तो 277 से 481 में 377, 477, 200 का अंतर है, और 200 300 का लगभग होता है 70%। तो वहीं के आसपास का डेटा एग्जैक्टली आप लोग कैलकुलेट कर लेना, बाकी जिसकी मैथ मजबूत हो नीचे बता देगा।
आपको रिजल्ट दिख रहा है ना कितना कमाल का है, रेवेन्यू कितने तेजी से बढ़ा है, ओवरऑल टोटल इनकम आप देख लीजिए डबल से भी ज़्यादा हो गई है। हाँ प्रॉफिट नहीं बढ़ा डबल से ज़्यादा, अगर ऐसा हुआ होता तो आज अपर सर्किट भी लग सकता था, सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अर्निंग पर शेयर देखिए 6 रुपये का, 24 रुपये या 25 रुपये ऐसे मान लीजिए साल भर में कंपनी कमाती है और आपको कितने रुपये पर मिल रही है, मात्र 400। ठीक है, अब ये किस चीज़ में डील करते हैं पता है, CNG। क्या है CNG व्हीकल्स की डिमांड इंडिया में बढ़ रही है, बिल्कुल प्लस 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 मान लीजिए इसको, मारुति सुजुकी तो वहाँ पर झंडे गाड़ रहा है। क्या CNG के रेट्स बढ़ रहे हैं, जी हाँ प्लस प्लस प्लस, मेरे सामने 60 से 90 प्लस हो चुका है, ये CNG का रेट बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टेट्स में सिटीज़ में ये डिफ़र करता है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ समय में CNG के रेट बहुत भयंकर तरीके से बढ़े हैं, PNG के रेट भी बढ़े हैं, तो उसका ऐसे नहीं कह सकते डायरेक्ट एडवांटेज, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि महंगाई की जो मार है वो इनको सामने सामने दिख रही है, लेकिन कंपनी को कुछ तो वहाँ पर फ़ायदा होता है क्योंकि कंपनी के पास ये पावर होती है वो अपना रेट बढ़ा दे, समझ गए। तो भाई साहब रिजल्ट तो अच्छा है और इसी कारण स्टॉक भी ऊपर आया, रिजल्ट मुझे पसंद आया, मैं उम्मीद मुझे सच में थोड़ी और ज़्यादा थी, मैं ऐसा फील करता हूँ कि और अच्छी उम्मीद थी मुझे, क्योंकि मैंने अपने सामने इनका रेट बढ़ते हुए देखा है और ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन भी आगे चल के व्हीकल्स के रूप में है, तो हो सकता है बड़ा डिविडेंड भी कंपनी आगे चल के बांटे, ज़रूरी भी है डिविडेंड बांटना, शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ठीक है, लेवल्स की बात कर लेते हैं, पिछली बार इसने 390 वही 400 का लेवल फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस बनेगा, ऊपर रेजिस्टेंस जो है ना वो काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी हम सही बेस पे आकर के खड़े हैं, सही बेस का मतलब हमारे पीछे एक अच्छा वाला रिजल्ट है, जब तक मार्केट धोखा ना दे हमको इस स्टॉक में आपको ट्रेडिंग पोजीशन बनाने की कोशिश तो करनी चाहिए। खैर IRCTC की बात करेंगे और यहाँ पर बताएंगे आपको कुछ कहानी। ठीक है, 600 से 600 पे क्यों बाइंग करनी थी वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको पिवट पॉइंट नहीं बताएगा, वो आपको फिबोनाची भी नहीं बताएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कहीं कोई 606 बता रहा है, कोई 597 बता रहा है, मैं अप्रॉक्सीमेट एक डेटा ले रहा हूँ, 600 से 672 कितना परसेंट होता है, 12% 12% छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक, कितना समय आपसे मैं बोलता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जो लोग लगातार फॉलो करते हैं उनसे मैं बोलता हूँ भाई साहब 5 घंटे आपको पूरे हफ्ते में स्विंग ट्रेडिंग के लिए देना है, मतलब 1 घंटे भी डेली नहीं बैठता, ये स्विंग ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, और वहाँ पर पूरे जैसे कि मैं एक समय में आपको बोलता हूँ कम से कम आप 4 स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड पकड़ो। ठीक है, 4 स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड पकड़ो, कभी कभी मार्केट धोखा दे जाएगी तो हो सकता है 4ों में स्टॉप लॉस आ जाए और ऐसा भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ़ दी केसेस में क्या होगा, आप 4 से 6% का रिटर्न कमा लोगे ट्रेलिंग बेसिस पे, और उसका फ़ायदा जो है ना ओवर दी लॉन्ग रन या लॉन्ग रन में बहुत बेहतरीन मिलता है। तो ये पहली बात, तो मेहनत आपको करनी है, डेटा आपको कलेक्ट करना है, और रोज़ एक ही बात बोल बोल के मैं नहीं थक रहा हूँ तो आप काम कैसे नहीं कर रहे हो, करो भाई, बिना काम किए कुछ होगा नहीं। खैर 12% का शानदार रिटर्न IRCTC ने दिया है, आई होप आपने यहाँ पर फ्लैग भी देखा हो, आई होप आपने इस बड़े मोमेंटम को भी पकड़ा हो, आई होप आपने मेरी बातों को माना हो, अगर मेरी नहीं तो कम से कम आप अपनी लॉजिक से यहाँ पर मुझे कुछ भी बहाना मार ही नहीं सकते कि मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं पकड़ पाया या मैं नहीं पकड़ूंगा। कौन सी लॉजिक से खरीदते हो, VWAP पे खरीदते हो क्यों नहीं खरीदे, मूविंग एवरेज पे खरीदते हो क्यों नहीं खरीदे, सुपर ट्रेंड पे खरीदते हो क्यों नहीं खरीदे, बॉलिंजर बैंड पे खरीदते हो क्यों नहीं खरीदे, क्यों नहीं खरीद रहे हो, कौन सी लॉजिक लगा रहे हो, ब्रेकआउट ढूंढते हो क्यों नहीं खरीदे, स्विंग ब्रेकआउट ढूंढते हो क्यों नहीं खरीदे, साइकोलॉजिकल लेवल ढूंढते हो क्यों नहीं खरीदे, मतलब मैं जो बातें बोल रहा हूँ समझिएगा उसका मेन मोटो क्या है, मोटो यह है कि ये स्टॉक आपको हर जगह पे लगभग लगभग बाय दिया था, प्योर पॉइंट यूज करते हो क्यों नहीं खरीदे, फिबोनाची यूज करते हो क्यों नहीं खरीदे, अब कह दो मेरी मर्जी, एक गाना है ना, मैं चाहिए करूँ मैं चाहे वो करूँ मैं नहीं खरीदूंगा, हाँ तो मत खरीदो, जाओ भाई बाजार में क्यों हो, बाजार में क्यों हो, अगर आपकी रडार पे या आपकी नज़र के सामने IRCTC निकल गया आप नहीं खरीदे, हो सकता है कहीं और पोजीशन अटकी हो तो मैं बात उसकी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप सच में ट्रेडिंग को सीरियसली लेते हो, आप सच में मेहनत करना चाहते हो, तो IRCTC एक वन ऑफ द बेस्ट पिक था। हाँ IGL में मैं ये बात बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगा आपको कि मैं यहाँ पर आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल दूँ कि मैं चाहता तो पकड़ लेता, मैं खुद नहीं पकड़ पाया, हाँ मेरे पास होल्डिंग है और जिनको जिन्होंने पुराने वीडियोज़ देखी हैं उन्हें पता है। ठीक है, और बहुत मतलब होता है ना कि परेशान भी इसने मुझे किया है, लेकिन वही है कि कई दिनों का दर्द, पीछे वीडियो जब आप जा करके देखोगे वहाँ पर आपको पता चलेगा। हाँ वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग यहाँ पर आपकी
मदद कर सकता था, लेकिन बेस्ट केस सिनारियो वो भी आपके सामने नहीं ला सकता था। लेकिन IRCTC यहाँ पर था आपके लिए बेस्ट केस सिनारियो। और जस्ट IRCTC से पहले एक स्टॉक हम लोगों ने एकदम सही समय पर पकड़ा था, वो था TVS मोटर्स। और एक छोटे कैटेगरी में अगर हम जाते हैं तो रैलीज इंडिया, ये सब स्टॉक्स थे जिनको हमने साइकोलॉजिकल लेवल पे और उसके बाद बहुत सारे कन्फर्मेशंस के बाद पकड़ा था और इन्होंने कमाल का रिटर्न बनाया था। अब ऐसे मत सोच लेना कि रोज़ प्रॉफिट ही होता है भाई, स्टॉप लॉसेस भी आते हैं। मार्केट जब धोखा देती है तो बहुत तकलीफ देती है, एक साथ चार चार स्टॉप लॉसेस भी स्विंग ट्रेड में लेने पड़ते हैं, लेकिन उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। अब निफ्टी जैसे कि आज हमें लॉस दे दी, अब हम क्या करें कि कल से ट्रेड ही नहीं करेंगे? क्यों भाई, नहीं, हमें पता था कि यहाँ पर बाइंग मिल सकती है, हमने कोशिश की, इकलौता टारगेट मिला, उसके बाद हम स्टॉप लॉस खाए पड़े हैं। क्यों? क्योंकि बाजार हमको धोखा देना चाह रही है, लेवल के ऊपर गई। अब यहाँ पर हम लेवल को गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि देखिए पूरे लेवल को ही बाजार ऊपर नीचे यहीं पर घूम रही थी, ऊपर जाती नीचे आती, नीचे जाती ऊपर आती। ऑप्शन राइटर्स का दिन था, उनको शुभकामनाएं क्योंकि आज उनको बहुत प्रॉफिट हुआ होगा, इन्जॉय करें वो अपना प्रॉफिट। लेकिन हम फिर से लौट के आएंगे, फिर से धमाका करेंगे, इतना मुझे पूरा भरोसा है अपने लेवल्स पर और आप लोगों के आशीर्वाद पर। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। हाँ, IGL का रिजल्ट मुझे अच्छा लगा है, लेकिन और अच्छा रिजल्ट वो पेश कर सकते थे। आपका आभार, नमस्कार।